ओके वेल तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। मैं भाई सब कले, तू कैसा है बे? गुड मॉर्निंग बे। अबे गुड मॉर्निंग चॉप। अरे फ्रैंकलिन भैया, कल रात का तो पता ही नहीं लगा कब सो गए कब उठ गए। गाइस यार भाई मैं आपको बताऊं, कल रात हमने मूवी देखी, मैंने और शिनचैन और चॉप ने, आयरन मैन की ऑफ कोर्स। किन किन लोगों ने आयरन मैन देखी हुई है भाई बताना जरूर भाई, इतना ज्यादा मजा आया भाई देख कर। शिनचैन तो भाई कब का यही कह रहा है कि भाई हमारे लिए एक आयरन मैन का सूट बना फ्रैंकलिन भैया। मैं भाई साहब, हमारे पास तो आयरन मैन है बे, टोनी को बुला का है वो। अबे टोनी अभी बाहर गया हुआ है शहर से यार। अरे फ्रैंकलिन भैया, टोनी अंकल को बुलाओ यार, वो आयरन मैन का सूट बनाएंगे मेरे लिए। अबे यार गाइस सच में बहुत मजा आया कल रात। मतलब गाइस हम लोगों ने मूवी देख कर ना 3-4 बजे हम सोए, उसके बाद भाई साहब पता ही लगा कब उठ गए भाई, क्योंकि सुबह भी हो चुकी थी। आप बताओ भाई साहब, आप सभी लोग आजकल क्या कर रहे हो? मैं भाई साहब, गाइस आप ऐसा करो, आज कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि भाई साहब आपने कौन सी लास्ट मूवी देखी थी। अरे हाँ गाइस, चलो हमने तो बता दिया हमने आयरन मैन देखी थी, आप बताओ आपने क्या देखी थी। हाँ यार गाइस सभी लिखो यार, सब लोगों ने अपनी लास्ट मूवी कौन सी देखी थी, मतलब अब तक लास्ट मूवी जो आपने देखी है बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। देखते हैं गाइस यहाँ पर आजकल लोग क्या देख रहे हैं भाई, थोड़ा बहुत पता ही लगता है इससे। भाई साहब कले मेरी बात सुन बे, आज भाई साहब हम लोग जा रहे हैं ना फिर। अबे कहाँ बे? भाई साहब शिनचैन इसको बोल बे, कल वादा कर भूल गया ये। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, वादा भूल गए क्या? हम तो एक नया घर डाल रहे हैं। ओ हाँ भाई, मैं तो गाइस भूल ही गया था भाई, 2023 खत्म होने वाला है। भाई साहब तूने कहा था 2023 खत्म होते होते हम भाई साहब खुद का एक नया घर डालेंगे। अबे गाइस मेरे दिमाग में से तो ये पूरी बात ही निकल गई थी। भाई साहब कले फिर रेडी है क्या नहीं तू? अबे हाँ यार, मुझे अभी अभी याद आया। तो यार गाइस चलो आज यही करते हैं, आज गाइस हम अपना नया घर बनाने की तैयारी करते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता मैं आपको बता दूं भाई, हमारा एक घर तो है, आप सब लोग देख सकते हो, ये तो सबको ही पता है। मैं आपको गाइस यहाँ पर बता दूं कि मैं शिनचैन और चॉप ने सोचा है कि भाई हम एक नया घर डालेंगे, वो यहाँ पर नहीं डालेंगे, कुछ ऐसी अच्छी लोकेशन में डालेंगे, एंड यहाँ पर सारा का सारा घर हम खुद बनाने वाले हैं, सामान खुद लेकर आएंगे। तो यार हाँ गाइस बहुत सारी प्लानिंग होने वाली है, तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। अरे चलो फ्रैंकलिन भैया जल्दी से स्टार्ट करो यार, कि क्या क्या चाहिए पहले घर बनाने के लिए। अब देखो यार गाइस यहाँ पर आज तो भाई हम लोग सबसे पहले जगह ढूंढने वाले हैं जहां पर गाइस हम अपना घर डालेंगे। उसके बाद गाइस जैसे ही हमें एक जगह ऐसी मिल गई जहां पर हम अपना घर डाल पाएंगे, मतलब मुझे एक जगह अच्छी लगी, उसके बाद गाइस हम लोग करेंगे पैसों का जुगाड़, साथ साथ में सामान भी लेकर आएंगे, उसके बाद उसको बिल्ड करेंगे, एंड उसके बाद भाई फाइनल टच देंगे, उसके बाद रेडी करेंगे, एंड उसके बाद शिफ्ट भी करेंगे। अब बहुत ज्यादा काम होने वाला है भाई साहब। कल चल बे फिर, आज से स्टार्ट कर देते हैं ना। हाँ गाइस तो चलो यार देरी किस बात की, आज हम स्टार्ट करते हैं, जगह ढूंढते हैं गाइस लॉस सैंटोस में एक अच्छी सी, जहाँ पर गाइस हम अपना नया घर डालने वाले हैं। अरे हाँ गाइस, आप लोग भी हमारी जर्नी में हमारे साथ हो या फिर नहीं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो और यार वीडियो को लाइक मार दो। अबे इतनी खुशी किस बात की? अरे फ्रैंकलिन भैया क्या बताओ यार, नया घर डालने वाले हैं यार, थोड़ी खुशी तो होनी चाहिए। बात तो गाइस यहाँ पर शिनचैन की सही है यार, नया घर। चलो यार गाइस यहाँ पर ये घर तो आपको पता ही है, हमारा प्राइवेट, हमारा प्यारा घर, पर गाइस यहाँ पर बहुत देर हो चुकी है इस घर में रहते रहते, तो एक और घर तो बनाना बनता है, जो कि गाइस हम एक अच्छी सी लोकेशन ढूंढ कर बनाएंगे, घर भी अच्छा होगा, के बाद गाइस उसको बनाएंगे भी अपने तरीके से, बहुत मजा आने वाला है। आ जाओ भाई। मैं भाई सब चल बे। वेल तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं अपने घर से, एंड भाई चलो गाइस अब तलाश करते हैं ऐसी जगह की सबसे पहले जहां पर गाइस हम अपना घर बना पाए। तो देखो भाई घर बनाने के लिए एक जगह चाहिए, सामान चाहिए और पैसा चाहिए। और गाइस अगर आपको मैं सबसे बड़ी बात बताऊं ना, हमारे पास तीनों ही नहीं है। बिल्कुल सही, हमारे पास तीनों ही नहीं है गाइज, ना हमारे पास अभी पैसा है, ना हमारे पास सामान है, ना हमें जगह का पता है। मतलब गाइज बहुत टफ होने वाला है ये वाला यहाँ पर चैलेंज जो हमने लिया है भाई घर बनाने का। भाई साहब इसको चैलेंज क्या या जो मर्जी कह गए, पर मजा आने वाला है जो भी बोल। हाँ गाइज यहाँ पर चोप बिल्कुल सही कह रहा है, मजा बहुत आने वाला है, आपको भी आने वाला है, हमको भी आने वाला है। तो चलो गाइज यहाँ पर हमें सबसे पहले एक जगह यहाँ पर फाइंड कर ले। एक बार गाइस हमें जगह फाइंड हो गई, उसके बाद गाइस हम ढूंढने के पैसे यहाँ पर जुगाड़ करने के तरीके, क्योंकि घर बनाने में गाइस लगने वाले हैं करोड़ों रुपए। एंड भाई अगर हमने बनाने एक लग्जरी मॉडर्न एंड सबसे बढ़िया यहाँ पर घर है ना, तो ऑफ कोर्स गाइस यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पैसा लगने वाला है, करोड़ों में लगेगा। तो करोड़ों रुपए भाई साहब यहाँ पर हमारे पास तो है नहीं, तो हम गाइस या फिर यहाँ पर पैसों को चोरी करेंगे, डाका डालेंगे महकमे, मतलब क्या करेंगे वो आपको आगे आगे पता लग जाएगा। पर अभी के लिए जगह ढूंढते हैं, उसके बाद गाइस पैसे का जुगाड़ और भाई सामान का जुगाड़ करेंगे, और उसके बाद फाइनली घर बनाना भी शुरू करेंगे। अरे गाइस मैं तो इंटरेस्ट से मरा जा रहा हूँ यार, कितना मजा आएगा। गाइस हाँ यार मैं आपको एक बात बता दूं, जब ये घर बन जाएगा ना भाई, अलग लेवल का मजा आने वाला है, अलग लेवल की यहाँ पर खुशी होने वाली है हमें। तो चलो गाइज यहाँ पर ना मुझे एक लोकेशन पता है लॉस सैंटोस में, जो कि खाली सी है, जहाँ पर गाइज हम अपना घर बना सकते हैं आई थिंक, क्योंकि भाई देखो यहाँ पर अगर देखा जाए ना तो हर जगह में किसी ना किसी का घर बना हुआ है, तो भाई हम ऐसे गाइज घर नहीं बना सकते, घर भी गाइज हमने बड़ा बनाना है, तो देखो भाई ऐसे यहाँ पर जगहों में नहीं बना सकते बे।
भाई साहब कल यहाँ पर देख ले। अबे यहाँ पर तो झोंपड़ा ही बनेगा हमारे लिए। अरे चलो फैंकल भैया वो बना लेते हैं फिर। अबे पागल हो गया क्या, मॉडर्न लग्जरी हाउस बनाएंगे भाई बिल्कुल खतरनाक वाला। भाई साहब उसके लिए चाहे भाई साहब कल को अपनी किडनी बेचनी पड़ जाए। हाँ बिल्कुल चाहे उसके लिए। क्या मैं किडनी विडनी नहीं बेचने वाला, मैं समझ जा मेरी बात भाई साहब, जरूरत पड़ी तो तेरे को जरूर बेच दूंगा। भाई साहब कलो आप तू भाई साहब कहाँ घर बनाएगा? देखो गाइस यहाँ पर यही वाला एरिया है जो कि मुझे ज्यादा खाली लगता है, तो आई थिंक गाइस हम यहाँ पर अपना घर बना सकते हैं। मतलब ये देखो भाई यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखो भाई घर ही घर है आसपास, एंड जैसे आप सब लोग देख सकते हो ये एरिया पूरा खाली पड़ा। अगर यहाँ पर हम अपना घर बनाना शुरू करें। अरे फैंकल भाई यहाँ पर बहुत सारी मिट्टी डालनी पड़ेगी, देखो तो यार कितना नीचे है ढलान है, और यार मेरे को तो नीचे छोटा सा पार्क भी दिख रहा है। अबे हाँ यार गाइस नीचे बच्चों का पार्क भी है, तो भाई हम यहाँ पर तो नहीं कर सकते। तो भाई साहब यहाँ पर कहाँ करेंगे कलुए, अगर यहाँ पर नहीं करेंगे वहाँ पर नहीं करेंगे? अबे यार गाइस रुको मुझे सोचने तो दो। गाइस यहाँ पर वहाँ पर भी बना सकते हैं बट वो थोड़ा ऊंचा है। अरे फिकर भैया मैं नहीं चाहता यार घर के लिए क्लाइम करना पड़े माउंटेन। अबे माउंटेन थोड़ी है, थोड़ी बहुत ऊंचाई है, बट हाँ गाइस वहाँ पर घर अच्छा नहीं बनेगा, ऊपर नीचे भाई साहब यहाँ पर बन जाएगा। भाई साहब तो कलुए भाई साहब बेस्ट जगह ये सामने दिख रही है मेरे को। हाँ गाइस यहाँ पर ये ठीक है, और आप सब लोग देख सकते हो प्रेसिडेंट का घर भी बिल्कुल पास है। अरे फैंकल भैया तो फिर हम तो कहा करेंगे कि हम प्रेसिडेंट सर के पड़ोसी हैं। हाँ गाइस यहाँ पर ये भी हो सकता है, तो चलो आ जाओ भाई देखें। भाई साहब कल ये मुझे भी ठीक लग रहा है। गाइस हाँ यार ये देखो पड़ोसी भी गाइस अमीर लगते हैं भाई, पड़ोसी के पास भाई साहब गाड़ी देखो कितनी खतरनाक है। पड़ोसी गाइस यहाँ पर सुपर कार लेकर बैठा है, इसका मतलब गाइस यहाँ पर तेरी ऐसी तैसी। मैं भाई साहब भाग जाए यहाँ से, बता रहा हूँ भाई मेरा मूड बार नहीं है किसी से लड़ने का, भाग यहाँ से। मैं भाई साहब कल यार तुम लोगों को डराता रहा कर 24 घंटे। अबे यार गाइस अभी तो मैं यहाँ पर आकर अपना घर बनाया तक नहीं मैंने, और लोग भाई साहब पहली दुश्मनी ले रहे हैं मेरे से। अरे हाँ फ्रैंकल भैया ये बिल्कुल टनाटन है। देखो गाइस अगर देखा जाए तो हम अपना घर यहाँ पर बना सकते हैं। लाइक गाइस देखो यहाँ पर गाइस हमारे सामने घर है, और यहाँ पर हमारा घर होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा गाइज, मतलब ये देखो यहाँ से स्टार्ट होकर आगे तक गाइज यहाँ पर हमारा ही घर होगा, यहाँ तक आगे तक भाई साहब यहाँ पर बिछा दूंगा घर को। मतलब भाई जितना एरिया कवर हो सकता है उतना करूंगा, ये देखो यहाँ तक पूरा भाई आगे तक कवर कर डालूंगा भाई, पूरी यहाँ पर लग्जरी अल्टीमेट हाउस वाली फील लेनी है। भाई साहब कल अभी तो खाली है ना, पर गाइज हाँ यार बिफोर एंड आफ्टर देखना गाइज, अभी तो आपको ये चीज खाली लग रही है ना, इसके बाद गाइज आपको ये खाली नहीं लगेगी, क्योंकि भाई यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ एक खतरनाक सा घर। अभी के लिए तो खाली है, तो भाई साहब हाँ इसको गाइज भरने में टाइम लगेगा, इसको करने में भाई साहब बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। अरे फ्रैंकल भैया बात तो टाइम की भी नहीं है यार, मेन बात तो ये है कि पैसा बहुत लगने वाला है। अबे हाँ गाइज यहाँ पर पता नहीं कितने करोड़ रुपए भाई साहब हमारे लग सकते हैं इस घर को बनाने के लिए, पर देखो हमें गाइज यहाँ पर हार नहीं माननी, हमको गाइज यहाँ पर पैसों का जुगाड़ भी करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वर्कर से। भाई साहब वर्कर से? हाँ बे तुम्हें क्या लगता है हम तीनों बना देंगे? भाई साहब तू तो कह रहा था हम तीनों बनाएंगे। ओए अगर हम तीनों बनाने लग गए तो भाई साहब तेरे को आता है क्या घर में ईंटे वीटे डालनी ये सब करना? भाई साहब नहीं तो, तो मुझे थोड़ी आता है। अरे फ्रैंकलिन भैया मतलब हम थोड़े बहुत वर्कर्स को काम पे रखेंगे। हाँ बिल्कुल गाइस, तो थोड़े बहुत वर्कर्स को गाइस मुझे लेकर आना पड़ेगा यहाँ पर काम स्टार्ट करने के लिए। तो देखो भाई यहाँ पर ऐसा करना पड़ेगा, सबसे पहले कुछ बंदे ले आते हैं, उसके बाद गाइस यहाँ पर उनसे पूछेंगे कि भाई यहाँ पर कितना पैसा लग सकता है सारी चीजें बनाने में। उसके बाद गाइस जो जो वो सामान कहेंगे हम उनके लिए सामान भी लेकर आएंगे, साथ साथ गाइस हम भी काम करवाएंगे, तब जाकर गाइस ये घर कंप्लीट होएगा, तो मजा बहुत होने वाला है। और भाई साहब देखो हमने अभी मजे की बात की और भाई ये लोग भिड़ रहे हैं एक दूसरे से। चलो भाई साहब चलते हैं। भाई साहब कल चलवे वर्कर्स को लेकर आए। अरे फैंकल भाई सबसे पहले मुझे ये बताओ ये वर्कर्स मिलते कहाँ हैं? अबे ये वहाँ पर मिल जाएंगे जहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही हो। भाई साहब मतलब हम कंस्ट्रक्शन वाली जगह से जाकर भाई साहब बंदे लेकर आएंगे? बिल्कुल चौ बिल्कुल सही समझा तू गाइस, यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन वाली जगह में जाकर कुछ बंदों को लेकर आएंगे जो कि गाइस हमारे लिए ये काम स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पर हम उनसे सामान भी पूछेंगे क्या क्या सामान चाहिए, उसके बाद गाइस हम पैसों का भी जुगाड़ करेंगे। भाई कितना कुछ है दिमाग में यार। कल भाई साहब जो भी है एट दी एंड भाई साहब मजा आने वाला है। हाँ गाइस बहुत सारा मजा आने वाला है। देखो भाई हमारा गाइस प्लाईवुड का थोड़ा बहुत काम हो भी गया, वुड गाइस यहाँ पर पड़ी हम यहाँ से उठा कर ले जाएंगे। अरे हाँ यार लगता नहीं है यहाँ पर कोई काम कर रहा है अभी। बस गाइस मैं याद रखूंगा यहाँ से आकर लकड़ी ले जाएंगे, क्योंकि भाई लकड़ी की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो चलो भाई यहाँ पर सामान से पहले बंदों को ले आते हैं, उसके बाद गाइस सामान भी लेने जाना है भाई, बहुत काम है लेट्स गो। अरे फ्रैंकल भाई यहाँ पर आना था क्या हमने? बिल्कुल गाइस यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर हमें बंदे मिल जाएंगे। भाई साहब करे ये बात बढ़िया है, तेरे को जगहों के बारे में पता है? बस अबे वही तो बात है, ये गाइस पता होना जरूरी है। देखो भाई यहाँ पर कुछ बंदे खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। मैं कलवे ये चलेंगे क्या हमारे साथ? अबे पक्का चलेंगे बे, पैसों के लिए कौन यहाँ पर काम करता। हेलो गाइस। जी सर कैसे मदद कर सकते हैं हम आपकी? बंदे चाहिए थे। किसको पीटना है सर? वही फिर पीटना किसी को नहीं है भाई, काम करवाना है। अच्छा कौन सा काम करवाना है सर? वही क्या दो चार काम करते हो?
यहाँ सर घर बनवाना है, बिल्डिंग तोड़वानी है, किसी की खोपड़ी तोड़नी, अबे भाई भाई घर बनाना है। ठीक है सर, कहाँ जाना है बताइए। सबसे पहले मुझे ये बताओ कितने बंदे हैं तुम्हारे पास, जितने मांगोगे सर। देखो भाई मैं एक स्क्रैच से नया घर बनाने वाला हूँ तो मुझे तुम सबकी जरूरत है, तो भाई जितने भी बंदे हैं लेकर भाई साहब मेरे पीछे आ जाओ। सर लेकर तो आपको ही जाना पड़ेगा क्या? यहाँ सर दिख रहा है क्या हमारे पास कौन सी लिमोजिन खड़ी है? हाँ बात तो ये भी सही है। अरे फैक्ट्री में मतलब हम इनको साथ में लेकर जाएंगे अब? अबे भाई साहब गाइस यहाँ पर 3-4 से काम भी नहीं चलेगा ना, कितने बंदे हैं? अरे 6-7-8 जितने कहोगे हमें ले जाओ, बाकी हम बुलवा लेंगे। हाँ ये भी बात गाइस यहाँ पर सही है। चलो फिर भाई साहब देरी किस बात की, 3 बंदे भाई साहब आ जाओ, शिंजा तू ऊपर खड़ा हो जा फिर। अरे यार फैक्ट्री भाई ये तो गलत बात है। अबे पर अगर काम करवाना है तो भाई साहब ये तो करना ही पड़ेगा। सर हम एक दिन की पगार लेंगे आपसे पूरे 800 रुपए। अच्छा 800 रुपए तीनों की? अरे एक की। ओए लूट मचा रखी है भाई इतनी महंगी। सर आप पहली बार घर बनवा रहे हो क्या भाई साहब? नहीं भाई दूसरी बार। चलो फिर आप थोड़े पुराने जमाने के लगते हो, अब तो टाइम बदल गया है सर। अबे यार गाइस तो पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है भाई, हमें ये भी भाई 800-800 मांग रहे हैं अकेले। भाई पैसों का क्या करेंगे शिनचैन? अरे पहले इनको लेकर जाओ उसके बाद पैसों का भी करते हैं यार, पहले काम शुरू करवाओ जल्दी से यार, घर बनवाना है जल्दी से, देखने की जल्दी है मेरे को। हाँ ठीक है भाई साहब गाइस मान गया। चलो भाई ठीक है 800 में डन करते हैं। चलिए बैठिए सभी, आ जाओ भाई आ जाओ तुम लोग। अरे चलें क्या सर? आ जाओ चलो चलो। अरे यार फैक्ट्री में मैं अंदर बैठना चाहता हूँ। अरे मेरे को भी बैठने दो। अरे उधर से बैठूंगा उधर से। अरे अरे मैं बैठूंगा अंकल, तू साइड हो जा। अबे शिनचैन भाई ऐसे मत कर यार, ऊपर खड़ा हो जा। अरे मैं क्यों खड़ा हूँ यार, मेरे को धूप लगती है ऊपर से यार, चौप यार पता नहीं कैसे कैसे पाद मारता है। अबे शिनचैन चला जा भाई, पहले बहुत सारा काम है हमें। अरे कोई नहीं मैं खड़ा हो जाता हूँ यार, इसमें भी क्या बड़ी बात है। अबे चलो यार गाइस यहाँ पर यही खड़ा हो गया। बे भाई सब कितना लंबा है बे? अबे लंबाई की बात छोड़, यहाँ पर अब बात है गाइज, यहाँ पर हमारे गाइज यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी टास्क होने वाले हैं भाई, मतलब हमारे टास्क तो बहुत पड़े हैं बट पैसों की गाइज यहाँ पर दिक्कत आने वाली है, तो जल्द से जल्द पैसों का जुगाड़ करना पड़ेगा इनको लेकर जाने के बाद। अरे क्या मतलब आप हमें पैसे नहीं देने वाले क्या? देखिए फिर यहीं से हमें वापस भेज दीजिए अगर पैसे देने का आपके पास कोई हिम्मत नहीं है। अबे ऐसी बात नहीं है। अरे पैसों के तो पेड़ लगा देंगे, आप फिक्र क्यों करते हो अंकल। अरे आ गए आ गए आ गए। बे भाई साहब कल नया भाई साहब घर यहाँ पर बनेगा तो रास्ता याद रखना। अबे मैं कौन सा भूला हूँ। अरे अरे यहाँ पर बनवाना है क्या? हाँ यहीं पे बनवाना है, रुको भाई मुझे गाड़ी रोकने दो। लेट्स गो गाइस, गाड़ी रोक लिया। आ जाओ भाई सभी लोग बाहर। भाई साहब मेरा आना जरूरी है। आ जा भाई, और अबे तू तो उतर जा अंकल। अरे उतर रहा हूँ चलो। आ जाओ भाई साहब बताओ क्या करना है। अरे यार अंकल देख लो यार, यहाँ पर पूरा घर बनवाना है। बिल्कुल देख पा रहे हो ना आप। अरे ठीक है बन जाएगा, बता दीजिए कैसा घर बनवाना है सर, आइडिया दे दीजिए और हम आपको सामान लिख कर दे देते हैं। अब गाइस यहाँ पर टाइम है पैसों का भी कुछ जुगाड़ करने का, तो चलो भाई सामान मुझे लिख कर दे दो, बाकी गाइस मैं इनको बता देता हूँ भाई साहब घर कैसा होने वाला है, क्योंकि भाई आपको तो गाइस लास्ट में पता लगेगा, मैं गाइस यहाँ पर पहले बताना नहीं चाहता क्योंकि भाई फिर मजा नहीं आएगा। तो चलो सबसे पहले मैं इनको समझा दूं घर कैसा बनाना है कैसा नहीं, कितने कमरे सब कुछ, उसके बाद आपको डायरेक्ट मिलते हैं। चलो भाई बताता हूं इनको। ओके तो गाइज यहां पर मैंने इनको समझा दिया है घर कैसा बनाना है। अरे सर आपका आइडिया कितना मस्त है, हाँ क्या घर बनेगा। अरे फैक्ट्री भैया और यार जो ये पैसों की बात कर रहे हैं क्या वो सही है? अबे बिल्कुल सही है अंकल, एक बार फिर से बताना क्या पैसों के बारे में। हाँ कितने लगेंगे? अरे देखो हम अपने बंदे बाकी भी बुलवा लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया हमारी तो 800 रुपए पर बंदा है। हाँ 800 रुपए एक बंदा लेगा ठीक है, और तुम 6-7 और बुलवाओगे ना? हाँ बिल्कुल, और ये घर में सामान मिलाकर सब कुछ करवर कर टोटल 30 करोड़ लग जाएगा। 30 करोड़ गाइज, भाई साहब गाइज 30 करोड़ रुपए भाई यहाँ पर मैं अपने घर में लगाने वाला हूँ, तो सोचो भाई कितना बढ़िया घर बनेगा। अब भी गाइज यहाँ पर घास फूस और पेड़ है, एंड गाइस जैसे यहाँ पर 30 करोड़ का घर बन जाएगा कैसा लगेगा सोचो एक बार। अरे चलो चलो ख्याली पुलाव बनाने बंद करो और यार जो सामान लेकर दिया है वो लेकर आओ। बिल्कुल यार गाइस यहाँ पर अब वो लेकर आते हैं। भाई साहब कल पता लग गया क्या क्या लेने? हाँ बिल्कुल, तू गाड़ी के ऊपर बैठ जल्दी से। तो गाइस यहाँ पर जल्दी से चलते हैं सामान लेने और भाई पैसों का जुगाड़ करने। अरे फैक्ट्री भाई जल्दी से सामान में बताओ क्या लेकर आना है, और यार हम लोग इनको जो छोड़ कर आए हैं ये क्या करने वाले हैं? तो देखो गाइस यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ सीन क्या है, ये 3 लोगों को गाइस हम छोड़ कर आए हैं, ये अपने बाकी बंदों को बुलवाएंगे एंड गाइस काम शुरू करवाएंगे। जब तक गाइस मैं शिनचैन और चोप वो सामान लेकर आएंगे जो कि इन्होंने बताया है। भाई साहब जो कि कौन कौन सा है? जिनमें से गाइस यहाँ पर कोई चीज आती है सीमेंट, लकड़ियां, प्लाईवुड, सीमेंट मिक्सर एंड भाई ऐसी कुछ चीजें आती हैं यार, और हाँ ईंटें। बे भाई साहब इतना सामान?
हाँ तो गाइज यहाँ पर सभी चीजों का जुगाड़ करना पड़ेगा, यही तो होता है गाइज। बट गाइज इसके साथ ये फायदा हो रहा है कि गाइज हमारे कुछ पैसे बच रहे हैं। अरे क्या बच रहा है यार, 30 करोड़ तो लग रहा है। हाँ 30 करोड़ वही कहीं भाई साहब, क्या पता भाई 35-40 करोड़ लग जाता। बट गाइज जो हम सामान का जुगाड़ खुद ब खुद कर रहे हैं भाई, उससे गाइज थोड़ा बहुत पैसा हमारा बच रहा है। बाकी मैं गाइज यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पर गाइज मैंने देखा था प्लाईवुड पड़ी थी, हम गाइज उसको उठा कर लेकर जाने वाले। ये देखो यहाँ पर गाइज लकड़ी पड़ी है, या लकड़ी गाइज बहुत काम आती है घर बनवाने में, तो गाइज ये सबसे पहले उठानी हमने। अरे फैकल भाई यहाँ पर तो बंदे भी खड़े हैं यार, आप कैसे कैसे चोरी कर लोगे। सबसे पहले तो भाई मुझे ट्रक लेकर आने दो जिसके अंदर गाइज सारा सामान जाएगा। अरे फैकल भाई ये बीच रोड में क्यों घुमा रहे हो गाड़ी। अबे गाइज यहाँ पर मुझे वो ट्रक मिलेगा भाई साहब, तेरी बात पक्की है क्या। अबे यार इनको भाई कॉल करनी अभी याद आ रही है। वैसे चलो मैं वो देखो गाइज वो खड़ा है, वो गाइज हमें चाहिए सामान लेकर आने के लिए भाई साहब, पर वो तो किसी और का है, तो भाई हम चोरी भी तो कर सकते हैं। अब गाइज यहाँ पर 30 करोड़ वाला काम भाई साहब, 30 करोड़ नहीं करवाना है मुझे, एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगाने, तो गाइज चलो चलता हूँ। अरे यार फैकल भैया मतलब आप ये ट्रक चोरी करोगे। बिल्कुल, और देखना भाई मैं कैसे चोरी करता हूँ गाइज, ये काम है मैं एक्सपर्ट हूँ। मैं गाइज चाकू लेकर आता हूँ एंड गाइज यहाँ पर कुछ लोगों को फोड़ देता हूँ जो कि गाइज मुझे यहाँ पर रास्ते में आएंगे मेरे। तेरी तो ये ले, ओ तेरी तो, ओ भाई हथौड़ा लेकर आ गया तेरी ऐसी, ये ले भाई साहब चाकू मारूंगा तेरे मुंह पे, ये ले भाई साहब तेरी तो, अबे ओए ओए हथौड़ा भाई साहब ये ले। अबे गाइज ट्रक लेकर भागता हूँ तेरी की, अबे बाला, अबे मैं बाहर नहीं आ रहा भाई, सिंचा चढ़ जा जल्दी से। अबे तेरी तो मैं तुझे अपना ट्रक लेकर जाने नहीं दूंगा। अबे भाई तू रोकेगा भी कैसे, ये ले। ओए रुक बे, ओए रुक रुक आ तेरी की, आ जा। अबे भाई साहब अबे रुक, तेरी तो गाइस रुको, हथौड़े का जवाब हथौड़े से दूंगा, तेरी तो ये ले, ये ले। ओहो अरे फ्रैंकल भी हथौड़े से पिट रहे हो यार, क्या दिन आ गए हैं यार, गोली मारने वाले हथौड़े से पिटने लग गए हैं यार। अबे तेरी तो ये ले, अबे भाई साहब इसको कुछ होता नहीं है। अबे हथौड़े वालों को मारेगा तू, हथौड़े वाले को, ये ले ये ले, तेरी तो, अबे तेरी ऐसी तैसी, ये ले। ओ भाई साहब गाइस ये तो बहुत ही ज्यादा तगड़ा हथौड़ा चलाता है तेरी तो, अबे तेरे को कुछ हो क्यों नहीं रहा, कच्चे मांस भी नहीं है हमारे। अबे कच्चे मांस तो नहीं है पर भाई साहब मांस तो है, अबे तेरी मुंह टूट गया। रुक गाइस ऐसे नहीं मानेगा ना भाई, तेरे तो गोल स्टिक मारूंगा मुंह पे। अबे हथौड़े का जवाब हथौड़े से देना तेरी तो, अबे इसको कुछ होता क्यों नहीं भाई साहब। अबे गाइस भागो, ओ यार भागने भी नहीं दे रहा तेरी ऐसी तैसी, ओ भाई साहब आ जा। गाइस मैं गोली चलाना नहीं चाहता, गोली की आवाज बहुत होती है भाई साहब। रुको भाई साहब क्रोबार मारूंगा तेरी तो, अबे ये ले आ जा तेरी तो, मेरा ट्रक लेकर जाएगा तेरी। ओए भाई सच में तगड़ा है ये। अरे फैकल भाई कुछ और नहीं हो रहा तो यार गाड़ी लेकर भागो ना। अबे यार रुको गाइस यहाँ पर मुझे भाई साहब कुछ बढ़िया चीज नहीं है। ओ भाई साहब मिल गया तेरी तो, ये ले। अबे अबे तेरी तो कब का दिमाग खराब कर रखा है गाइस, यहाँ पर इसको नहीं छोड़ूंगा। अबे चलो। अरे फैकल भैया ये हुई ना बात यार, थोड़ी बहुत तो मर्द वाले काम आपने कर ही दिए। चलो गाइस जल्दी से चलते हैं भाई साहब। अबे चुप जल्दी आ जा भाई साहब, ये कैसा ट्रक है। अबे इसी के अंदर सामान आएगा हमारा। ओ भाई साहब आ गया भी आ गया। चलो यार गाइज यहाँ पर हमें थोड़े बहुत कंक्रीट्स के ब्लॉक चाहिए अब एंड गाइज कुछ लकड़ी चाहिए। चल भाई साहब बैठ जल्दी से। मैं भाई साहब गाड़ी यहीं पे छोड़ दें क्या। हाँ गाड़ी बाद में ले जाएंगे, चाबी तो मेरे पास ही है। अरे फैकल भैया जल्दी चलो यार, सबसे पहले कहाँ जाना है सामान लेने। तो देखो गाइज यहाँ पर सीमेंट तो हमें मिल जाएगा जहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन हो रही हो वहां से, एंड लकड़ी वहीं से मिल जाएगी, एंड हमारे पास कंक्रीट ब्लॉक्स चाहिए वो भी गाइज शायद वहीं पे मिल जाएंगे। तो देखो भाई जितना सामान फ्री में मिलता है वो तो लेकर आए। अरे यार फैकल भैया तो आप कहाँ पर आए हो। मैं आया हूँ गाइज यहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट पे, ये आप सब लोग देख सकते हो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, मतलब गाइज हमें यहाँ से कंक्रीट मिल जाएगा एंड बाकी सामान भी, और भाई साहब मार भी मिल जाएगी। वो तो गाइज यहाँ पर कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, वो तो गाइज बचपन से मिलती आ रही है। वो देखो गाइज यहाँ पर कंक्रीट पड़ा है वहाँ पे एंड गाइज यहाँ पर वो सारा सामान इकट्ठा करना जल्दी से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्या पार्क ही है भाई मैंने अपनी गाड़ी, लेट्स गो गाइज। यहाँ पर सेफ्टी के लिए अपने हाथ में मुझे चाकू या फिर लाठी रखता हूँ भाई, लाठी मारूंगा मुंह पे। देखो गाइज वो पड़ा है कंक्रीट, तो सबसे पहले वो कंक्रीट उठाते हैं, उसके बाद गाइज मैं सीमेंट उठाऊंगा। बट सीमेंट यहाँ पर नहीं मिल रहा, सीमेंट मिक्सर भी चाहिए, वो दोनों चीज़ें गाइज यहाँ पर अलग जगह में मिलेंगी जहाँ पर सीमेंट होता है। तो भाई यहाँ से सबसे पहले कंक्रीट ईंटें एंड वो सब चीज़ें उठा लेते हैं जो गाइज इंपॉर्टेंट है, उसके बाद गाइज बाकी देखेंगे। तो चलो भाई सबसे पहले कंक्रीट, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो गाइज। मुझे लगता नहीं भाई साहब मुझे कोई कंक्रीट उठाने में रोक लेगा क्योंकि इतना सारा है यहाँ पर, तो कितनी दिक्कत की बात ही नहीं है। चलो भाई सबसे पहले ये वाला रखते हैं। ओके तो गाइज यहाँ पर 2 ब्लॉक रख लिए मैंने कंक्रीट के। अरे घर बना रहे हैं फैकल भैया, बहुत सारा कंक्रीट चाहिए होगा। हाँ वो भी लेकर आएंगे, फिक्र क्यों कर रहे हो गाइस। चलो अब ईंटे उठाते हैं जल्दी से। अरे क्या उठा रहा है मेरे हमारे यहाँ से। अबे कुछ भी नहीं, अबे इसकी तो पकड़ो इसको। अबे भाई साहब तेरी तो रेंच मार रहे, तेरी ऐसी, ओ अबे बहुत जोर से लगता है। अबे चार क्या उठा रहा है चोर, अबे आओ सभी। अबे गाइस यहाँ पर ये लड़ाई क्यों शुरू हो जाती है भाई साहब, हर बात पे
ओए मेरे पास माता, ओए तेरी तो पकड़ इसको। गाइस एक लाठी में भाई उड़ उड़ कर जा रहे हैं। चलो चलो अबे भाई भागो गाइस इससे पहले कि और लोग मारने आ जाएं। मैं और तो नहीं आ रहा, और कोई नहीं आ रहा। गाइस चलो ईंटे रखते हैं जल्दी से। भाई ईंटे कहाँ पर है? ईंटे ओके तो गाइस यहाँ पर पड़ी है ईंटे। एंड गाइस यहाँ पर अब ये उठा लेते हैं। भाई बहुत ईंटे हैं, इतनी तो इतने में गाइस आधा तो बन जाएगा। अबे आए तेरी तो मेरे सर पे कैसे मारा बे तूने, तेरी तो अंकल। अबे गाइस और आ गए, अबे तेरी तो ये ले। अबे भाई साहब मेरे को आए ये ले। अबे पकड़ इसको। अबे चिल्लाता क्यों? अबे ऊपर गिर गया था मैं उसके। तेरी तो अंकल। भाई साहब बहुत जोर से मारता है, रुक भाई तेरी तो। अबे गाइस मैं गोली चला पाता ना तो इसको मार देता, बट मैं चाहता नहीं कि पुलिस बीच में आए। लेट्स गो गाइस, मुझे लगता है भाई साहब अबे मरता नहीं है क्या भाई? क्या भाई साहब खाकर भाई पैदा हुआ है? चलो गाइस यहाँ पर ईंटे रख लेते हैं अब। भाई साहब गाइस फाइनली एक घंटे की मेहनत के बाद गाइस मैंने बहुत सारी ईंटे, मतलब भाई सच में बहुत सारी ईंटे एंड बहुत सारा कंक्रीट गाइस यहाँ पर रख लिया है। आप सभी लोग देख सकते हो भाई गाड़ी भर चुकी है भाई, आधी ईंटे तो बाहर आ रही हैं। अरे फ्रैंकी भाई जल्दी चलो इससे पहले हमें कोई पकड़ ले। हाँ जल्दी चलते हैं, लेट्स गो गाइस अब गाड़ी में बैठते हैं। भाई जल्दी बैठ जाओ। भाई साहब ट्रक भर दिया भाई तूने तो। ओ तेरी की गाइस ट्रक भाई पिकअप भी स्लो लेने लग गया भाई, इतना भारी हो चुका है जो। कोई बात नहीं गाइस यहाँ पर ले जाऊंगा मैं इसको। अबे जल्दी बैठो अब। अरे फेंकी भाई चलो यार मैं पीछे ही चढ़ जाता हूँ यार ईंटों के बीच से। अबे एक आधी ईंट तेरे सर पे लगी तो। अरे अरे अंदर ही बैठ जाता हूँ। अबे यार गाइस आ गया क्या लाइन पे? अरे हाँ यार आ गया लाइन पे यार, बहुत सारी ईंटें हैं। चलो यार गाइस ईंटें और कंक्रीट आ चुका है बहुत सारा, ये गाइस हम लेकर जा रहे हैं जल्दी से। बट रास्ते में कुछ और सामान भी उठाना है जो क्या गाइस यहाँ पर सीमेंट और सीमेंट मिक्सर जो सीमेंट मिक्स करने के लिए चाहिए होता है वो एंड सीमेंट भी चाहिए। ओए भाई ओ ओ भाई साहब कलुए। ओ गाइस स्लो चलाना पड़ेगा भाई, ये तो गाइस ऐसी तैसी करवा देगा। चलो 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 गाइस चलते हैं अब जल्दी से। मुझे पता है गाइस सीमेंट और सीमेंट मिक्सर कहाँ पर मिलेगा, तो देरी नहीं करता है जल्दी वहाँ पर चलता हूँ। अरे फेंकी भैया हम तो अपने घर के बहुत पास आ गए। हाँ गाइस और यहाँ पर हम सभी लोगों को वुड भी मिल जाएगी एंड सीमेंट भी मिल जाएगा, सीमेंट मिक्सर भी मिल जाएगा। मैं भाई साहब कले फ्री का माल तो तू छोड़ता नहीं है ना बे। अबे बिल्कुल भी नहीं गाइस, चलो ये वाली वुड उठाते हैं। यहाँ पर कोई भी नहीं आई थिंक। अबे गाइस मैं कैसे भाई साहब अपने घर के लिए सामान इकट्ठा कर रहा हूँ यार, इसके लिए लाइक तो बनता है। देखो भाई यहाँ पर गाइस किसी ने काम नहीं किया। ये गाइस यहाँ पर कुछ अमीर लोग होते हैं जो कि गाइस यहाँ पर ऐसे पैसे फेंक कर भाग जाते हैं। कुछ दिनों में गाइस ये लकड़ी खराब हो जाएगी, इससे अच्छा हमारे यूज में आ जाएगी। अरे चलो चलो बातें बाद में करना। हाँ गाइस लेट्स गो जल्दी से इसको उठाते हैं यहाँ से। ओके तो गाइस यहाँ पर लकड़ी मैंने रख दी है वहाँ पे। अब गाइस अबे भाई ट्रक तो भाई खत्म होने वाला है, इतना भारी हो चुका है। अरे फेंक दिया सीमेंट कहाँ से मिलेगा? सीमेंट तो गाइस हमें आगे से मिलने वाला है अंदर से। देखो भाई साहब गाइस यहाँ पर ये रहा। ओ गाइस यहाँ पर यहाँ तो सीमेंट मिक्सर पड़ा है और सामने सीमेंट पड़ा है बहुत सारा। ये गाइस यहाँ से देखो ये सीमेंट को मिक्स करता है। अरे बाद में बता देना पहले उठा लो इसको। हाँ इसको उठा लेता हूँ। और गाइस यहाँ पर वो सीमेंट पड़ा है भाई, बहुत सारा सीमेंट है, वो भी उठा लेंगे गाइस आराम से। भाई देखो तो गाइस हम कितनी ज्यादा ऊपर आ चुके हैं भाई साहब ना। ओ अरे क्या हो गया? अबे सामने क्या देख रहा हूँ मैं, बुगाटी वो भी लॉस सैंटोस में। इसमें क्या बड़ी बात है, मेरा पापा गुंडा है। अच्छा गाइस ये तो गुंडो की बुगाटी है जो कि चोरी वोरी करके लेकर आते हैं। अब तो गाइस मेरी आंख है इसमें। ये गाइस गाड़ी आराम से 10-15 करोड़ की होगी। अरे 10-15 करोड़ की गाड़ी? अबे हाँ भाई वो बुगाटी शिरोन है भाई, वो तो होगी 10-15 करोड़ की। गाइस अगर हम इस गुंडे से गाड़ी चोरी कर ले तो आए भाग जा, देख सकता हूँ मैं तुझे, तो जैसे को तो मैं गोली से मार देता हूँ। अबे गाइस इससे भिड़ने का फायदा ही नहीं है, ये तो गाइस किसी अमीर बाप की औलाद है भाई साहब, मतलब किसी गैंग के जो बंदे होते हैं उसका बेटा है। तो गाइस चलो मुझे क्या है, मैं तो गाइस यहाँ पर गाड़ी चोरी करूंगा। ओए अंदर मत घुस। आए मैं तो देखने आ रहा हूँ बस गाड़ी। अबे पापा दिखाएंगे? पापा दिखा दे कोई नहीं, मैं पहले खुद तो देख लूं। अबे पापा पापा गाड़ी लेकर भाग रहा है पापा। अबे भाई भागो गाइस, ओ तेरी की गाइस इतनी आसान चोरी कभी जिंदगी में नहीं की मैंने, ओ तेरी की। ओए भाई क्या कर रहा है भाई? भाई गाड़ी देखो कहाँ पर घुसा रहा था। अबे शिनचैन। अरे मैं भी बैठूंगा अंदर। अरे फेकी भाई क्या कंफर्ट लेवल है। गाइस ये गाड़ी चोरी करने का बिल्कुल भी मन नहीं है मेरा भाई, बुगाटी शिरोन। बट गाइस यहाँ पर अगर घर बनाना है तो इसको तो बेचना ही पड़ेगा, बट गाइस 10-15 करोड़ की बिक जाएगी। अबे शिनचैन एक काम कर, तू जाकर यहाँ पर ये सारा सामान लेकर जा, मैं तब तक ये गाड़ी बेच कर आता हूँ। अरे गाड़ी बेच कर आता हूँ? हाँ भाई मैं गाड़ी बेच कर आता हूँ जल्दी से भाई साहब, यहाँ पर ये सारा सामान लेकर जा। तो चलो भाई साहब गाइस यहाँ पर मैं ये गाड़ी बेच दूंगा, जब तक ये शिनचैन सामान लेकर वहाँ पर पहुँच जाएगा मैं गाइस 10-15 करोड़ ले आऊंगा। अरे फेंकी भैया पूरा बेच कर यार सारे पैसे लेकर आना। अबे बिल्कुल सिमियन गाइस मुझे जल्द से जल्द पैसे दे देगा, जल्दी से गाइस यहाँ पर गाड़ी को लेकर चलता हूँ। अबे तू इसको लेकर जल्दी से वहाँ पर पहुँच। भाई साहब ये शिनचैन चलाएगा? हाँ चला लेगा वो
गाइस चलो चलते हैं। मैं गाइस ये शिरोन को बेचना तो चाहता नहीं, बट गाइस बेचनी पड़ेगी भाई, क्योंकि 10-15 करोड़ तो यहीं से मिल जाएंगे। उसके बाद गाइस 10-15 करोड़ और का जुगाड़ करना है, वो गाइस यहाँ पर किस तरीके से करेंगे वो तो मैं देख ही लूंगा, पहले इसको लेकर चलते हैं। अरे यार ये फ्रैंकलिन भी हमेशा मुझे क्यों इस काम में डाल देते हैं। मैं भाई सब चला लेगा क्या तुम्हें? अरे आराम से चला लूंगा यार। गाइस चलो यार जल्दी से इसको लेकर चलते हैं वहाँ पर जहाँ पर हमारा घर बनने वाला है, वो ज्यादा दूर नहीं है यार, यहीं आसपास है, चलते हैं जल्दी से जब तक फ्रैंकलिन भैया बुगाटी को बेच कर आएंगे यार। अरे पर क्यों बेची यार, 10-15 करोड़ के लिए बेची, कोई बात नहीं, जब यार हमारा लग्जरी घर बन जाएगा तो यार गाइज अब तो मजा ही आएगा ना। चलो यार गाइज मुझे लगता है हम बस पहुंचने वाले हैं, घर तो पास ही है यार यहाँ पे। अरे साइड हो जाओ साइड हो जाओ। अरे यार गाइज देखो हम पहुंच चुके हैं और यार यहाँ पर तो बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। अरे देखो गाइज कितना सामान लेकर आया हूँ मैं। अरे वाह इतना सामान आ भी गया। मैं भाई साहब जब तक हम है तब तक सामान ही सामान है। चलो भाई साहब सारा सामान नीचे करो और भाई साहब घर बनाना स्टार्ट करो। और यार फ्रैंकलिन भैया पैसे भी लेकर आ रहे हैं गाइस, अभी तक तो काम बिल्कुल सही चल रहा है। अरे जल्दी से सामान नीचे लेकर जाओ यार, मतलब यहाँ पर रखो, नीचे लेकर जाने को कौन सा अंडरग्राउंड लेकर जाना है। ओके तो गाइस भाई साहब गाइस चल चल कर आ रहा हूँ यार, गाड़ी तो गाइस यहाँ पर बेच कर आ चुका हूँ, बट गाइस खुशी की बात यह है कि मेरे आप सब लोग पीछे देख सकते हो, ये है गाइस पूरे के पूरे 12 करोड़। जी हाँ गाइस मुझे लगा था 15-20 करोड़ की बिक जाएगी, बट गाइस 12 करोड़ मिली है सिमियोन ने। तर गाइस यहाँ पर 12 करोड़ भी ठीक ठाक है गाइस, ज्यादा तो भाई साहब यहाँ पर कम नहीं है। कोई बात नहीं भाई यहाँ पर 12 करोड़ में लेकर आ चुका हूँ और गाइस यहाँ पर अब लग रहा है ना भाई घर बन रहा है। गाइस देखो कितना सामान इकट्ठा हो चुका है गाइस, सिंचन जो भी वो खड़े हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया मेरे को लगता है यार कुछ दिनों में यार हमारा घर बिल्कुल अच्छा बन जाएगा। मैं भाई साहब पैसे तो बता कितने हैं? पूरे 15 करोड़, पूरे 12 करोड़ अभी। अरे चलो फ्रैंकलिन भैया अभी भी हमें बहुत सारे पैसे चाहिए यार, 30 करोड़ चाहिए टोटल घर बनाने को। अबे 30 भी नहीं यार गाइस, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का खर्चा मिलाकर मेरे हिसाब से गाइस 30 से भी ज्यादा लग जाएगा, बट घर गाइस ओवरऑल बहुत ही बढ़िया बनने वाला है, अभी तो गाइस स्टार्ट है। एंड गाइस यहाँ पर देखो आज तो भाई हमने सारा सामान इकट्ठा कर लिया, पैसों का जुगाड़ कर लिया है, मतलब 12 करोड़ में गाइस आधे से ज्यादा तो बन ही जाएगा यार। तो हाँ चलो पैसा भी गाइस हमारे पास इनफ है अब घर को बढ़िया करने के लिए, पूरा गाइस 30-40 करोड़ कर इस घर को पूरा लग्जरी बना देंगे। अभी तो गाइस आपको हमारे साथ इस जर्नी में यहाँ पर बने रहना होगा, अगर आपने देखना है भाई एट द एंड घर कैसा बनता है। अरे फ्रैंकलिन उम्मीद है बहुत अच्छा बनेगा यार। मैं भाई साहब ये जो चीजें हमने चोरी की है ये बेस्ट है बे, उसका पैसा लगाना ही नहीं पड़ा, क्योंकि भाई साहब ये चीजें हमने चोरी भी उनसे ही की है जो भाई साहब लोग सेंटोस में काले धंधे करते हैं। बिल्कुल यार गाइस यहाँ पर आपने देखा जो गाइस हमने सीमेंट चोरी किया, ये लकड़ी एंड गाइस यहाँ पर ईंटें, जो कंस्ट्रक्शन वाले जगह में जाकर हमने सामान चोरी किया ना गाइस, वो सब कुछ वर्थ इट था, क्योंकि गाइस जो वो लोग भाई साहब यहाँ पर काम कर वो घर बनवा रहे हैं ना, मतलब वो चीजें कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, वो गाइस पता नहीं ड्रग्स बेच रहे हैं लॉस सैंटोस में, क्या गया भाई साहब काले काम कर रहे हैं, तो गाइस हमने उनसे चोरी किया है, तो भाई हमने भी गाइस यहाँ पर कोई अच्छे बंदे से चोरी नहीं किया गाइस, हमने भाई साहब यहाँ पर एक तरह से गाइस यहाँ पर सही काम किया गाइस, यहाँ पर उन काले धंधों वालों से गाइस यहाँ पर चोरी कर उनको पता लग गया होगा, बट गाइस उनको क्या है इतना पैसा है भाई, उनको कोई फिक्र ही नहीं है भाई, और चीजें ले लेंगे और ईंटें आ जाएंगी, बट गाइस चलो बाकी सामान हमें भी खरीदना ही होगा, क्योंकि भाई कितना ही चोरी कर लेंगे, तो ईंटें वो भाई साहब यहाँ पर कंक्रीट ब्लॉक्स और आएंगे एंड गाइस हमारा घर जल्द से जल्द बन जाएगा। आप सब लोग गाइस यहाँ पर वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा एंड गाइस नेक्स्ट पार्ट में उम्मीद करते हैं यार घर थोड़ा बहुत बन गया हो। गाइस जी हाँ गाइस यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो नेक्स्ट पार्ट में मेरा उम्मीद है भाई साहब यहाँ पर हम अपना घर कम्प्लीट ही कर देंगे, क्योंकि भाई बस 12 करोड़ है, 20-25 करोड़ और चाहिए, उसके बाद गाइस हमारे घर का काम भी हो जाएगा। तो अगली वीडियो में गाइस हम इसके अगले पार्ट में पैसों का जुगाड़ भी करने वाले हैं, साथ ही साथ गाइस और सामान लेकर आएंगे एंड गाइस देखते हैं भाई घर बनाने में और क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। आप सब लोग गाइस हमारे साथ बने रहिए गाइस यहाँ पर सीरीज में, अगर आप सब लोग वीडियो को लाइक करोगे तो जल्द से आ जाएगा नेक्स्ट पार्ट। तो यार गाइस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। बिल्कुल यार गाइस, और हम मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद एंड वंदे मातरम। बे भाई साहब टाटा भी।